हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? क्लास थर्ड है ये, आपकी मैथमेटिक्स चल रही है। सो स्टूडेंट्स, इस थर्ड में आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाले। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पहले, कल मैंने बताया था इन क्वेश्चनों को ऐड करना है, कैसे करना है, इस तरह से अरेंज करके करना है। ओके, तो बच्चों आज के लिए क्या है, आज मैं बताता हूँ। डेट हो गई आपकी 10/06/20। ओके, सो स्टूडेंट्स ये कल की डेट का है, उससे पहले डेट का 8 का ये है, 9 का ये है, देन 10 का ये है। ओके, तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको एडिशन करने हैं। ओके, और ये एडिशन करना आपको आता है, क्लास सेकंड में आप पढ़ करके आए हो। ओके, तो ये आपको खुद ही करने हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या लिख रहा है बेटा, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है कैसे, 100 फ्रॉम 572। ओके, सो देखिए कैसे करना है, 100 फ्रॉम 572। तो इसको कैसे करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला, इसका मतलब है 100 को माइनस करना है 572 में से। फ्रॉम मतलब से, इसको करना है इसमें से। तो 572 तो ऊपर आएगा और ये 100 जो है नीचे आएगा। तो ऐसे सबट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, ऐसे इस क्वेश्चन को कर देंगे। ऐसे सी वाला है, सी वाले को करना है, ऐसे डी वाला है उसको करना है। ओके, यहाँ कर देना, ऊपर जगह बची हुई है यहाँ आसपास कर देना, ठीक है। ऐसे देखो ई वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन करने हैं, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो बेटा मल्टीप्लाई करना है इसमें, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 और 3 का, 5 की टेबल 3 वाली लेनी है या फिर 3 की टेबल 5 वाली ले लो, एक ही बात है। 3 की टेबल 5 वाले लो, कितना आया, 3 5 जा 15। ऐसे ही 5 की टेबल 2 वाले लेनी है, 0 की टेबल बेटा 4 वाले लेंगे तो क्या आएगा, 0 की तो कितनी वाले लो, 0 ही आता है। ऐसे करने हैं आपको, हो जाएंगे। ऐसे ही देखो बेटा जी वाला क्वेश्चन है ये, इसमें ये करना है, ये मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, देखो मैं बता देता हूँ आपको। 7 की टेबल 9 वाले लेंगे, 7 9 जा 63, तो 63 का 3 इधर आ गया, कैरी लग गया 6। ओके, फिर 7 का टेबल 7 वाले लेंगे, 7 7 जा 49, 49 और प्लस 6, 49 और प्लस 6 कितना हो गया, 55। क्या लिख देंगे, 55। ऐसे कर लोगे ना, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको ये करने हैं। ओके, तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 ये वाले, और फिर ये वाले, ये वाले, और फिर ये वाले, यहाँ तक आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बता दिया है आपका होमवर्क, ये क्लास थर्ड का ही रिवीजन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, कैसे करना है ये आप खुद करोगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो कल मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड कीप रीडिंग कीप लर्निंग।